So, इस टॉपिक के अंदर जिस तरह हम स्टेप वाइज मूव करते आ रहे हैं हमने रूफ लगाना सीख ली उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स देखे तो अब इसमें हम इस ये और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हम मटेरियल्स लगाना सीखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है uh, वाल्स डिज़ाइन हो जाती हैं रूफ डिज़ाइन हो जाती है प्लेन डिज़ाइन हो, हो जाता है वो तो ऑलरेडी लेकिन उसके ऊपर जो टेक्सचर जो मटेरियल अप्लाई करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इंस्टाल्ड जहाँ पे सॉफ़्टवेयर है सी ड्राइव में मौजूद होता है लेकिन वो इस तरह का शायद मटीरियल नहीं होता कि जिसको आप अप्लाई करके कोई बड़े प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट कर सकें लेकिन uh, uh, मैं जो है वो आपकी जो डाउनलोड uh, इस इन टॉपिक से रिलेटेड जो जो सेक्शन होगा जहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा उसके अंदर कुछ मटेरियल्स uh, हम uh, रखवा देंगे डिफरेंट टाइल्स का फॉर एग्जांपल या कुछ ग्रास का मटेरियल इसके अलावा बहुत सारी सिंपल uh, आप जाके जो है वो uh, जा सकते हैं गूगल कर सकते हैं आपको बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो वहाँ से वेबसाइट्स मौजूद हैं ऐसी जहाँ से आपको फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं सो so, मटेरियल हम अप्लाई करना सीखेंगे इस ये टॉपिक भी और इससे नेक्स्ट भी और उसके अंदर अप्लाई करने के बाद डिफरेंट चेंजेस भी हम कर सकते हैं uh, मतलब ये नहीं कि जस्ट अप्लाई करने के बाद थ्री uh, डी मैक्स हमें बहुत सारी ऑप्शन देता है और हमारी ड्राइंग बहुत अट्रैक्टिव होती जाती हैं सो so, अब हम बढ़ते हैं थ्री डी मैक्स की तरफ ताकि हम फॉर्मली uh, जो है अपने ही जिस प्लान के ऊपर हम एक सिंपलेस्ट प्लान में वर्क कर रहे हैं उस पर मटेरियल अप्लाई करना सीखें सो so, ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग है जिसमें हम वर्क कर रहे थे सो so, हम इसमें जो है इसी ड्राइंग के अंदर अगर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है यहाँ पे कॉपी कमांड अगर हमने इसी को कॉपी पेस्ट करना हो जिस तरह हम ऑटो कैर में भी बात करते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करने लगें एडिट करने लगें सो मेन ऑब्जेक्ट में नहीं करेंगे हम उसकी कॉपी प्रोड्यूस कर लेंगे कॉपी यहाँ पे थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले तरीकाकार नहीं है सबसे पहले ये हम सेलेक्ट करते हैं एक्सेज हम ऑन करने के लिए डब्ल्यू ऑन कर लेंगे और इसको किसी भी जगह से पकड़ के हम शिफ़्ट प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ड्राॅइंग है सो so, इसको ड्रैग करके जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहें आप ओके करेंगे ये क्लोन ऑप्शन मौजूद हैं ये कॉपी को यहाँ क्लोन के वर्ड में लेके अंदर आता है हम ओके करेंगे तो ये कॉपी प्रोड्यूस हो गई है हम रिपीटिंग द प्रोसीजर सेलेक्ट करना है uh, डब्ल्यू का बटन प्रेस करके रख करेंगे ताकि एक्सेज ऑन हो शिफ्ट प्रेस करके और किसी भी जगह से आप क्लिक करें ये कॉपी हो जाएगा इसमें हम वर्क कर लेते हैं कि इसकी जो रूफ़ है इसको हम क्लिक करके इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए मटेरियल अप्लाई करने में अब सिंपली जो है इसको सेलेक्ट करें और एम एंटर मटेरियल की कमांड अप्लाई हो जाएगी ये हमारे सामने जो है वो सैम्पल स्लॉट्स पड़े हैं ये टैब ऑलरेडी भी हमने देखी है अब हम जरा इन डेप्थ इसको देख लेते हैं आ, ये मटीरियल की टैब्स जो हैं इसको हम फिलहाल जो ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर लेते हैं ये सैंपल मेरे सामने जो है कुछ नजर आ रहे हैं जो कि अभी बिल्कुल आ, कोई कलर उसको हमने नहीं दिया हुआ सिंपलेस्ट ये आपके सामने भी ऐसे ही नज़र आएंगे दिस इज़ स्टेट मटेरियल जो है वो एडिटर है जिसमें ये सामने कुछ ऑप्शंस हैं मेन इसकी टूल बार्स हैं फिर हमारे पास ये आप नोट करें तो डिफरेंट ऑप्शन वो हमें दे रहा है अप्लाई करने के और लास्ट में हमारे पास स्लॉट्स मौजूद हैं सैम्पल इन्हीं में से हम एक सैम्पल स्लॉट पिक कर लेते हैं इस पर आपने डबल क्लिक करनी है जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है नाइनटीन डिफॉल्ट या वन डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिपेंड करता है आप कौन सा मटीरियल कितनी अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सीरियल नंबर देगा डिफॉल्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे आपने डबल क्लिक की यहाँ से आप डबल क्लिक करें डिफ्यूज कलर में तो जैसे ही आप कलर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने नेविगेटर के अंदर एक और छोटी सी टैब ओपन होती है यहाँ से हमने है डिफ्यूज में क्योंकि डिफ्यूज कलर पे क्लिक किया था अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक और मैप ब्राउजर मटीरियल मैप ब्राउजर ओपन है यहाँ से हम क्लिक करेंगे बिट मैप में तो so, ये ऑप्शन आप प्लीज़ देख लें सबसे पहले सैम्पल स्लॉट पर डबल क्लिक की देन डिफ्यूज कलर देन दिस डिफ्यूज़ देन मटीरियल और मटीरियल के ऊपर अगेन uh, मैं इसको अगर हम डिलीट करके वी कैन इवन प्रोसीड विद दिस वन इस पर डबल क्लिक की डिफ्यूज कलर और यहाँ से हम आगे डिफ्यूज़ के अंदर बिट मैप में आए और यहाँ पे अब ये जो मटीरियल है ये मैंने डायरेक्ट खुद एक्सेस दी हुई अपनी विंडो uh, के अंदर आपके पास ये हम रखवा रहे हैं अब आपने जहाँ भी रखे हैं मैं दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ सपोज़ ये दिस पीसी में मैं आया ये मैंने डी ड्राइव के अंदर इसको रखा है आप जहाँ से भी आपने रखा है ऑटो कैड के अंदर फिर मटीरियल्स हैं फिर ब्रिक्स हैं इसी तरह आप जिस फोल्डर में रखेंगे उसको वहीं से एक्सेस करेंगे अब ये आप नोट करें तो डिफरेंट ब्रिक्स नज़र आ रही हैं सपोज़ मैं ये वाली ब्रिक्स अप्लाई करना चाहता हूँ अब इसको आपने ओपन करना है जैसे ही ओपन हो जाएगा अब ओपन के बाद ये मटेरियल हमारा जो है वो आ चुका है अप्लाई हो चुका है अब हम अप्लाई करेंगे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन में ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन हो चुका है ये क्लिक करने के बाद फिर हमने ये जो है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं असाइन भी करना है और फिर हमने उसको क्लिक करना है कि आप शो भी करें व्यू पोर्ट के अंदर वो वाला कलर बाजू हम असाइन पे क्लिक करके शो पे क्लिक नहीं करते तो वो कभी भी शो नहीं करेगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने स्लॉट uh, सेलेक्ट किया डिफ्यूज़ कलर में आए उसको एक्सेस दी और आपने इसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन किया और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट अब हम इसको यहाँ से क्रॉस करके और आते हैं चेक करते हैं आप नोट करें तो व्यू पोर्ट में ऑलरेडी जो है वो कलर आ चुका है अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है वो हम करके देख लेते हैं बज दफ़ा अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप अप्लाई करें और ऐसा ही रंग आ जाए बज दफ़ा आप अप्लाई करते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट या ईटें बड़ी आ सकती हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है आ, जब आप मटीरियल अप्लाई में कहते हैं दैट इज़ यू वी डब्ल्यू मैप क्या करना है आपने मैं वापस जा रहा हूँ हम बिल्कुल क्रैक से मटीरियल अप्लाई कर लिया और सपोज़ मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो ईंटें हैं ये थोड़ी सी और इनकी व्यर्थ बढ़ जाए या कम हो जाए इसके लिए आपने मॉडिफायर लिस्ट में आना है मॉडिफायर लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे आप यू जैसे आप यू क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रही है यू वी डब्ल्यू मैप सो so, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है मॉडिफायर मेन्यू से जैसे आप यू डब्ल्यू मैप क्लिक करते हैं आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले है मैपिंग की ऑप्शन अब जो ऑब्जेक्ट आप कर रहे हैं इज इट प्लानर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल श्रिंक अब ये हमारा नॉर्मली दीवारें जो है ये सारी बॉक्स में आती हैं तो हम इसे बॉक्स यहाँ से पिक करेंगे और ये है हमारे पास यू टाइल की ऑप्शन अब आप इसको बढ़ाते जाएं तो आप नोट करें दीवार के अंदर जितना बढ़ाते जा रहे हैं वो स्क्वीज्ड होते जा रहे हैं इसी तरह आप वी टाइल की ऑप्शन भी मौजूद है ये आप नोट करें इसको बढ़ाते जाएं तो ये भी स्क्वीज होता जा रहा है इसी तरह डब्ल्यू टाइल के ऑप्शन भी मौजूद है सो ऑप्शन आर देयर ये मैं देख लें अगेन इसको जितना आप ये आ, टाइल्स को बढ़ाते जाएंगे अब आप क्लिक करें वापस आएँ तो ये देख लें थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो चुका है सो so, डिपेंड करता है कि आप अब हम नीचे लेके आना चाहें तो आप नोट करें ये आ, वी टाइल ये आपकी लेंथ और को करेगा ये जो है टाइल्स तो अब आप इसको नीचे आना चाहें तो आप नोट करें कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है सो so, अगेन क्या करना है आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट uh, करने के बाद मटेरियल अप्लाई करने के बाद यू वी डब्ल्यू मैप अब सपोज ये तो मेरे पास वॉल्स थी अब ये मेरे पास छत है अब हम इसका कलर चेंज करके ताकि हमारी रेपटेशन भी हो जाएगी मटीरियल अप्लाई कैसे करना है अब ये मैं पैरापिट वॉल को कलर चेंज करना चाह रहा हूँ ऑप्शन नंबर वन क्या है अगेन इसको आपने हमेशा सेलेक्ट करना है ये सिलेक्ट हो चुकी है ये देख लें ये कॉर्नर नज़र आ रहा है इसका ये सेलेक्ट हो चुकी है हम एम एंटर करते हैं मटेरियल अप्लाई करते हैं टैब ओपन हो गई है अब हम सैंपल जो है ये हमारे पास स्लॉट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं ये आप अगर देखें ऑप्शंस तो सो so यहाँ से हम कोई भी स्लॉट पिक कर लेते हैं मैं ये वाली पिक कर लेता हूँ ये आपके सामने जैसे आप क्लिक करते हैं नीचे वाली भी मौजूद है और ऊपर ट्वेंटी नंबर पर मैंने इसे क्लिक किया है डिफ्यूज़ कलर यहाँ पर आए और यहाँ से आपने डिफ्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है बिट मैप में आना है और बिट मैप से अब हम क्योंकि ये रूफ़ है तो हम कोई और कलर दे के देख लेते हैं फ़र्ज़ करें सपोज़ हम ये वाला कलर ये ब्रिक वॉल वाला कलर जो है हम रूफ़ को दे के देखते हैं यहाँ से ओपन कर देना है और अगेन सेम मैनर में अप्लाई मटीरियल टू सिलेक्शन और इसके बाद हमारे पास है शो शेड मटीरियल इन व्यू पोर्ट अब आप नोट करें अप्लाई हो गया लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हमने अप्लाई की है तो यहाँ पे अगेन हमें असिस्ट करेगी कौन सी कमांड यू वी डब्ल्यू सो यहाँ पे यू क्लिक करें ये हमारे पास यू वी डब्ल्यू है अब आप नोट करें तो ये बॉक्स है अगर सो लेट्स चेंज दिस सो ये आप नोट करें आप यू चेंज कर रहे हैं आप उसके वर्टिकल एक्सेस को चेंज कर रहे हैं सो so, इस तरह आप डिफरेंट मटीरियल्स को अप्लाई करते हैं इसके अलावा ये मेरे पास डोर है सपोज मैं ऐसे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ मैं समझता हूँ कि ये ग्लास का डोर होना चाहिए तो ये भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है डोर को सिलेक्ट किया अगेन एम एंटर करेंगे तो एक और व्यू पोर्ट में हम चौबीस वाला इस्तेमाल कर लेते हैं डबल क्लिक किया डिफ्यूज़ कलर में यहाँ पे आपने आ जाना है चौबीस वाला अप्लाई करते हैं चौबीस का ऑलरेडी हम आ, शायद कर चुके हैं तो हम बाईस वाला कर लेते हैं यहाँ से हम आ जाएंगे डिफ्यूज़ कलर और यहाँ से हम डिफ्यूज़ में आ जाएंगे पिट मैप में आ जाएंगे अब मैं वापस चाहता हूँ तो मैंने यहाँ ग्लास टेक्स्चर भी रखा हुआ है तो ग्लास टेक्स्चर में आ जाएँ ये ग्लास के ऑप्शन अवेलेबल हैं ये आपकी ड्राइव में भी मौजूद होंगे सो वी कैन अप्लाई एनी एनी कलर फॉर example दिस क्लियर ग्लास wind सो ओपन और uh, अब हम यहाँ पे अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन आप देखें डोर का कलर भी चेंज हो गया है और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट अब हम थोड़ा सा अगेन कलर चेंज हुआ है लेकिन हम यू वी डब्ल्यू मैप से इसको मजीद जो है वो इसके अंदर निखार लेके आ जाते हैं यू वी डब्ल्यू मैप में आ गए अब आप नोट करें सो ये आप देखें हम डब्ल्यू uh, इसका यू चेंज कर रहे हैं इसकी वर्टिकल अब आप डोर को देखें सो थोड़ा सा स्लाइटली जो है ये आप अंदाज़ा लगाएं लगाएँ तो डोर भी चेंज हो चुका है तो इस तरह आप किसी भी तरह का मटेरियल आपने सिंपल एम एंटर करना है साम्पल स्लॉट में से डबल क्लिक करनी है डिफ्यूज़ कलर डिफ्यूज़ में से कोई भी मटीरियल आप पिक करके अप्लाई कर सकते हैं जितना अच्छा मटीरियल अप्लाई करेंगे उतने ही अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे ये जो एक दो रिमेनिंग मटीरियल हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर हमने मटीरियल अप्लाई करना सीखा है और आपने देखा होगा कितनी अट्रैक्टिव हमारी ड्राइंग्स बन जाती हैं जैसे हम मटेरियल अप्लाई करते हैं चाहे वो ब्रिक्स थी आ, चाहे वो हमारी हमने रूफ के ऊपर मटेरियल अप्लाई किया चाहे हमने हमने, हमने दरवाजे पे ग्लास अप्लाई किया तो वो ग्लास की शेड नज़र आ रहे थे तो इस तरह यू कैन अप्लाई मल्टीपल मटीरियल्स और जितने अच्छे मटीरियल्स अप्लाई होते जाएंगे उतनी अच्छी हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होती जाएगी